गाड़ी जो है ना हमेशा बड़ी गाड़ी में बिठाते रहो लोग। और लाइए जिनको बिना हेलमेट वाले जो मैम आगे आ जाओ। हम लोग मैम इलाहाबाद में महिलाओं को सीनियर सिटीजन को हम लोग उनको हेलमेट फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। आप सोच रहे हम लोग मैम का चालान कर रहे हैं। ओनली फॉर यू मैम, प्लीज ड्राइव सेफ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। आप हमारी महिला शक्ति हैं। बाकी याद रहे कि आपको पहनना है। चालान तो मैं करूँगा, बहुत उसके लिए आपका शुक्रिया। हेलमेट नहीं है, अगर कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, कोई भी कारण से महिला है, वरिष्ठ नागरिक है, तो उनको हम लोग दे रहे हैं। मास यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है और प्रयागराज ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी जो दोपहिया वाहन हैं उनके चालकों को हेलमेट दिए गए हैं और विशेषकर जो महिलाएं हैं जो बिना हेलमेट के थी उनको और उनके साथ वाले जो साथी हैं उनको भी हेलमेट दिए गए हैं, जिससे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सबसे ज़्यादा मौतें दो पहिया वाहनों चालकों की सिर की चोट से होती है, हेलमेट लगाने से उनका बचाव किया जा सकता। इसी प्रकार सीट बेल्ट लगाने के लिए, यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए, उन्हीं कार्यक्रमों से आज ये भी एक कार्यक्रम किया गया। इसके साथ साथ मास्क को लेकर भी जागरूक किया गया है। मास्क के लिए हम जागरूक भी कर रहे हैं और साथ ही चालान की भी प्रक्रिया जारी है। जो भी पब्लिक प्लेस में व्यक्ति आएंगे उनको मास्क लगाना आवश्यक है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। तो इसके लिए मार्केट में और आसपास सभी जगह ये अभियान चलाया जा रहा है कि सभी मास्क हो रहे हैं। क्या सर कुछ देर के लिए उनको एक दो घंटे के लिए अभी उनके लिए गाड़ी रखी हुई है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप करता है, विरोध करता है, तो ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली जाती है और उनको गाड़ी में बिठाकर उसके बाद थाने भेजा जाता है।